स्वागत करती हूँ आपका विदर्भ टैलेंट शो में, जहाँ पे हम विदर्भ के टैलेंट टैलेंट बाज जितने भी लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग जितने भी होते हैं, उनको आपसे मिलाते हैं। और भाई साहब ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं फैब क्रिएटर्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हमारे विदर्भ के टैलेंट को, हमारे नागपुर के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सामने लाने का काम कर रहे हैं। और अभी कुछ ही दिनों में इनका एक नया सॉन्ग भी लॉन्च होने जा रहा है, तो उसी सॉन्ग की जो टीम है वो आज हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरी सोनिया, ये एक एल्बम सॉन्ग अभी रिलीज होने वाला है कुछ ही दिनों में, और उसकी पूरी टीम हमारे साथ है। हमारे साथ है इसके डायरेक्टर रॉबिन फ्रांसिस, आपका स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है इस सॉन्ग की जो लीड एक्ट्रेस है उमेरा खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर सैयद फिरोज आलम, आपका फिर एक बार स्वागत है। बहुत मतलब मैंने सुना है इस सॉन्ग के बारे में और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लव से रिलेटेड ये सॉन्ग है और टीनेज लव कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है इस सॉन्ग में। इस गाने के बारे में और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैं शुरुआत करती हूँ हमारे डायरेक्टर साहब से। सर आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके का सॉन्ग, जिस तरीके मैंने बताया कि लव है, स्पेसिफिकली टीनेज लव है, तो इसमें और क्या क्या चीजें हमारे नजरों को बताएं। ओके, बेसिकली ये सॉन्ग मेरी सोनिया एक लव सॉन्ग है। टीनेज लव जो होता है एक इमेजिनेशन होता है, जब आप टीनेज लव करते हो तो एक इमेजिनेशन में चले आते हो आप। आप सोचते हो कि मैं इसके साथ में एक राइड पे जाओगी या नो कैफे में रहोगी, तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब इमेजिनेशन में रहता है सारी चीज़ें बहुत। बट रिस्ट्रिक्शंस के कारण होता है कि यू नो दैट टीनेज लव हो नहीं पाता है, तो वही हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट लेके उसमें आए हैं लेके। सो मे बी यू नो उसमें काफ़ी सारे इमेजिनेशंस है और काफ़ी अच्छे उसमें शूट उन्होंने लिया गया, काफ़ी सारे लोकेशंस पे लेके गए हम लोग। तो मे बी उससे मतलब उसके बारे में जो हुमैरा है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगी आपको, क्योंकि इसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो चीजों को, सो मे बी शी कैन टेल व्हाट इज टीनेज लव। ओके हमारा टॉकिंग अबाउट टीनेज लव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ टीनेज लव यार, मतलब पहली बार प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सारी चीजें हो जाती है, ऊपर से घर वालों का प्रेशर जो होता है अलग, इन सारी चीजों में ये टीनेज लव को मैनेज कैसे किया जाता है, एक्सपीरियंस आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूरा। बेसिकली जब हम टीनेज में आते हैं बहुत ज़्यादा अपन एक्साइटमेंट और इमेजिनेशन में चले जाते हैं जब हम किसी को लाइक करने लगते हैं या किसी को प्यार करने लगते हैं, और फैमिली प्रेशर के कारण हो या कुछ भी हो, मतलब उस वजह से ये नहीं कर पाते। और इस सॉन्ग में ऐसा है कि हमने जो टीनेज लव किया है वो सब कुछ इमेजिनेशन में हुआ है, एंड द एंड इज के लास्ट में लड़के ने लड़की को प्रपोज किया है, एंड इट्स इन इट्स फाइनल, लड़की भी हैप्पी है, लड़का भी हैप्पी है, इट्स अ क्यूट सॉन्ग। ओके, अगर बात करूँ मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की तो शेयर करना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली सवाल आप दोनों पे भी आने वाला है। ठीक है। एट द वेरी फर्स्ट डे आई फेल्ट वेरी नर्वस, मेरे पेट में बटरफ्लाईज आ रही थी बहुत सारी, लड़के को देख के मैं डर रही थी टच करने के लिए। और फिर धीरे धीरे जब काम किया, बहुत हंसी मजाक हुआ सारी टीम के साथ में, तो इट फेल्ट वेरी क्यूट वर्किंग विद हिम एंड वर्किंग विद ऑल द टीम, इट फेल्ट वेरी लवली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी हंसी मजाक वाली चीज़ें हुई, ये लव वगैरह जो भी होता है वो सारी जानने मिली और बहुत मज़ा आया। मतलब खुद का एक्सपीरियंस। ओके दर्शकों को मैं बता देती हूँ कि आफ्ताब शेख जो सॉन्ग के लीड है वो आज हमारे यहाँ साथ मौजूद नहीं है, बट उन्होंने भी काम किया है इसमें और बड़ा ही प्यारा काम किया है। जब ये सॉन्ग रिलीज होगा तब आप देख लेंगे कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और अब मैंने जैसे कहा था कि हम लोग अभी टीनेज लव की बात कर ही रहे थे, हम शुरुआत करते हैं प्रोड्यूसर साहब से, आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ आपके टीनेज लव का। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ है सबसे लाइफ में, तो टीनेज लव से स्टार्ट हुआ था, तो एक्सपीरियंस अच्छा लगी। बात करेंगे गाने के दौरान जो चीज़ें हुई वो ज़्यादा फनी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई है, कि पहले दोनों जो हीरो हीरोइन थे दोनों झगड़ा करते थे सेट पे, मतलब पसंद ही नहीं जाते मतलब ऐसा लगने नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा आखिर में बहुत डांट फटकार के कि तुम दोनों को काम करना है, दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे,
बाद में ठीक हुआ, आखिरी आखिरी में ट्यूनिंग ठीक हुई। जब गाना बन गया तो लगता नहीं है कि ये लोगों का आपस में कोई झगड़ा होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन टू बी फ्रैंक दोनों बहुत मस्ती खोल और दोनों अपने अपने आप में रहने वाले थे, इगोइस्ट थे, मतलब कि हाँ वो अपनी जगह होगा तो मैं अपनी जगह होकर के, और दोनों अच्छे टैलेंटेड काम बहुत अच्छे अच्छे। हमारा आपसे एक क्वेश्चन था कि सेट मतलब कभी ऐसा हुआ शूटिंग के दरमियान कि आपका आपके को एक्टर के साथ बहुत ज्यादा घमासान वाला युद्ध हो चुका है, पूरी लड़ाई हो चुकी है और उसके बाद आपको ऐसा सीन करना है जिसमें आपको पूरी मोहब्बत झूठ दी, तो कभी ऐसा हुआ है? जी अच्छा वो एक्सपीरियंस करना था, वो पूरा इंसिडेंट था। वो ऐसा था, हम शूट कर रहे थे, जो एक्टर था उसको जो एक्टिंग करने बोला था एक्चुअली तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी तो उसके कारण हम दोनों का मन बहुत चिड़चिड़ लग रहा था। और वो आया पास में, ही सेड कि मुझे परफ्यूम चाहिए, मिला हाँ स्मेल आ रहा है, तो उसने उसको पर्सनली ले लिया, उसने उस चीज़ को पर्सनली ले लिया, तो बोले ये कुछ भी बोलती है ऐसा वैसा, बहुत झगड़ा किए और उसके जस्ट बाद हमने बहुत ही रोमांटिक सा सीन किया इतने गुस्से में, तो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है हमारे लिए। अगर प्रोड्यूसर जी आपसे जानना चाहती कि कभी ऐसा हुआ था यार कि दोनों बहुत झगड़े कर रहे, इनको शांत करना बस लाइक आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बच्चों को जो है उनको शांत करे, तो ऐसा कोई मूवमेंट आप शेयर करना? बच्चे ही है ये भी 16 इयर्स ओल्ड ही है, तो वो रियल में वो हुआ ही है ऐसे कि दोनों को बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता था सीन में और बहुत डांट भी पड़ती थी दोनों को, लेकिन दोनों नॉटीनेस मतलब दोनों के नॉटीनेस को अच्छा भी लगता था और कोऑपरेटिव था, मतलब इस बारे में आप क्या जानकारी? पहले काफी सारे सॉन्ग भी किए, कोलैब में किया हुआ है, बट दिस इज़ वेयर इनने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लाया कि नागपुर के टैलेंट को कुछ और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सो वी थॉट ऑफ लाइक यू नो ही जस्ट कॉल्ड मी अप लाइक फिरोज इज देयर, सो इन्होंने मुझे बोला कि रॉबिन एक सॉन्ग करना है तो लेट्स प्लान समथिंग, हम उन्होंने इसी प्लान किया, तो वी गॉट टू नो हुमेरा इज देयर, फिर आफ्ताब है, दोनों की कास्टिंग करनी पड़ी हम लोग को, वी थॉट लाइक एक थोड़ा सा टीनेज लव करते हैं तो फिर अब वो एज के हिसाब से वो थोड़ा नटखट भी होना चाहिए चेहरा, जैसे कि मेरा इज लाइक वेरी गुड, शी डिड वेरी नो अमेजिंग वर्क, उसने बहुत अच्छा किया, तो वो कास्टिंग करने के बाद जब ये हम लोग सोचा कि इसको हम लोग खुद डेब्यू करते हैं, तो हम लोग कोलैब में नहीं करेंगे, ही सेड लाइक मैं प्रोड्यूस करता हूँ तुम डायरेक्शन करो, करते हैं इसको, सो वो ऐसा आ गया कि उसका भी ये इंडिपेंडेंट सॉन्ग बन गया हमारा, तो अब कोलैब में नहीं कर रहे, सो नाउ वी हैव लाइक जस्ट ये सॉन्ग के बाद में हमारे पास में काफी तीन से चार और लाइनअप से सॉन्ग, सो नाउ इट इज लाइक कि फैब क्रिएटर अभी होल एंड सोल पूरा काम करने वाला है। तो जब आप डायरेक्शन कर रहे थे कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट फील हुआ कि ऐसा लग रहा है खोपड़ी तोड़ दूं इन लोगों की, ऐसा समझ नहीं रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना, ऐसा कभी हुआ? हाँ, ऐसा तो बहुत टाइम हुआ है, बट यू नो आपको वो कंट्रोल करना होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर काम तो आपके आर्टिस्ट भी काम रहेंगे, बिकॉज आर्टिस्ट चिड़चिड़ करने लग जाता है अगर आप डायरेक्शन में टाइम में बोलते हो, ज्यादा चिल्लाने लगते हो, तो ऐसे काफी टाइम हुआ है, बट मेरे असिस्टेंट्स ने उनको हैंडल कर लिया था, तो बट ज्यादा तो मैंने चिल्लाया नहीं उनके ऊपर, उतना डिफिकल्टी नहीं हो पाया हम लोग को, तो इट वॉज रियली अमेजिंग, मतलब काफी मजा आया शूट करने में। जब मैं बात करती हूँ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट इजी, क्योंकि आपको मैनेज करनी होती है सारी चीजें, चीजें प्रॉपर जाती है, क्या ये देखनी होती है, तो यार क्या क्या डिफिकल्टीज आपने उस टाइम पे फेस की और कितना मजा आया वो जानना चाहती हूँ। एक्चुअली प्रोडक्शन का भी नया काम नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे नागपुर में काफी जो स्टार्स है जैसे लीड में आते हैं सीरियल में, तो काफी लोग मेरे यहाँ से गए थे जिनको हम लोगों ने लॉन्च ऑलरेडी किया हुआ, वो मतलब आप देखेंगे नील मोटवानी करके हैं, काफ़ी शॉपिंग लाउट है, काफ़ी ऐसे यहाँ से नागपुर से लोगों को मजा आई, वो काफ़ी लोगों ने काम किया हमारे साथ और कुछ लोगों का हमारा स्टार्टअप ही है, तो उतना कुछ ऐसा मैसेज नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि वो मैच्योर थे, ये टीन एज वाला मामला है, तो बहुत तकलीफ हुई है सब चीज़ मैनेज करने के बाद भी नहीं मैनेज हो रहा था,
और दूसरा कि हम लोग एक लोकेशन में नहीं कर रहे थे, हम लोग ने सोच लिया था कि मतलब एक दिन और दो दिन में जैसे गाना हम लोग करते थे पहले, तो वैसा नहीं करना अलग अलग लोकेशन पे। और वो लोकेशन लोगों को मालूम लेने के बाद भी समझ में ना आना चाहिए कि यहाँ पे कभी कुछ हुआ। तो अलग अलग डिफरेंट जगह 6 दिन का शूट किया उन्होंने, जबकि हम एक दिन में भी कम्प्लीट कर सकते थे। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा थोड़ा था, था बचपना था और टीम थी और मौसम भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, बारिश वगैरह तो तकलीफ हुई है, मतलब एक्सपीरियंस होने के बाद भी तकलीफ हुआ है। वो उस चीज में मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग एक हमको ड्रोन का शॉट लेना था, बट मौसम इतना हमारे साथ में बिल्कुल नहीं था, तो वो हम लोग ने शॉट ले नहीं पाए। वी ट्राइड लॉट वो ड्रोन का शॉट वो, बट वो व्यू नहीं मिल पाया। वो फिर उस दिन वो पूरा दिन उसमें चले गया, वी जस्ट वेटिंग कि अब बारिश अब बंद हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था एक चीज। ओके, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं इसके कुछ सीन्स यहाँ पे भी नागपुर का भी कुछ शूटिंग वगैरह है, तो नागपुर में किस किस लोकेशन में शूटिंग हुई थी? हाँ, जैसा आपको बता दूं मैं कि गोगरा करके आपने सुना होगा, रामटेक, खिंडसी, ऐसे मेजर है अपना, फिर कुलारी रोड, जैसे वाकी वगैरह सुना होगा, ऐसे 6-7 अलग अलग प्लेसेस पे की है। लोकल सिटी में भी किया है कुछ क्लब्स वगैरह में, तो कुल मिला के 6 दिन का शेड्यूल ऐसे सिटी के अंदर भी किया था। छोटे छोटे सीन के लिए हम लोग जाते थे दिन भर में, एक दो सीन निकल के वापस आते थे, मतलब तो ये नहीं करते थे कि दूसरा कुछ कर ले, हमारा फोकस था थोड़ा थोड़ा लेने के लिए और आराम से करने के लिए, ताकि स्वीटनेस गाने में रहे। मेरे को कहते हैं प्री वेडिंग लाइक शूट होता आते जा रहा है, लोग जाते एक जगह पर शूट करके आ जाते, हम लोग को वैसा नहीं करना था। ये मतलब ड्रोन भी यूज नहीं करना था हम लोगों को, तो हमने ड्रोन ना के बराबर यूज किया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल अपने पापा के लिए कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार से उन्होंने मुझे ये सारी चीजें अलाउ कर दी। सेकेंड आई एम थैंकफुल टू फिरोज आलम सर कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, इतनी मस्ती कर होने के बाद भी उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं दिया कि तुम नहीं हो, और मुझे बहुत डीमोटिवेट नहीं किया, हमेशा मोटिवेट किया है। रॉबिन सर है, उन्होंने भी कभी मुझसे डांट की बात नहीं की, और हर बार मतलब एक दोस्त की तरह मेरे साथ सब ने काम किया है। फर्स्ट डे मैं फिर उन्होंने बहुत नर्वस हो गई थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे टीम के साथ सारी काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पूरे बटरफ्लाईज आने लगे। सॉन्ग की टीजर लॉन्च हुई जब, उसके बाद से मुझे DMs आने लगे, फिर सब जाने लगे अच्छा ये हुमैरा है, इसको सॉन्ग आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं लॉन्च हो गई हूँ, मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ, बहुत अच्छा लगा। ओके, मैं आप तीनों से जानना चाहती हूँ कि यार हर किसी आपके तीनों के प्रोस्पेक्टिव से अलग अलग एंजॉयबल मोमेंट, फन मोमेंट्स होंगे इस शूट के दरमियान, तो आपके एक एक एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। डायरेक्टर सर से क्यों बात करते हैं? नहीं, डायरेक्टर साहब तो बाद में बोलेंगे, मेरा बताएंगे पहले। मेरे काफी सारे एक्सपीरियंस है ऐसे, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जैसे कि आफ्ताब और मेरी बिल्कुल नहीं जमती थी, हम दोनों बहुत झगड़ते थे, और वो झगड़े के जिस बार हमको इतना रोमांटिक सीन देना पड़ता था, तो वो सीन देते देते थे हम इतना हंस देते थे कभी कभी, और कभी कभी गुस्से में भी आ जाते थे, ये क्या कर रहा है आप, इसको देखो, नहीं बोलते नहीं आप इसको देखो, तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे थे। और एक दिन शूट पे मतलब हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, और उसके तुरंत बाद ही मतलब हम पता नहीं कैसे मतलब हमको डांट पड़ गई अचानक से, हम लोगों ने ठीक है अब हम फ्रेंडली रह गए ऐसा ऐसा, और सिर्फ दिखा रहे कैमरे पे कि नहीं हम बहुत फ्रेंडली है, और पर्सनली हम दोनों का ईगो इतना बड़ा है कि हम एक दूसरे को देखते भी नहीं है। बस सब चीज़ें अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ का वो टेंशन, जैसे गाना बन गया लॉन्च किया, तो उसके बाद ये लोग परेशान थे, मुझे कौन से चैनल पे आएगा, कब आएगा, जी पे आएगा, किस पे आएगा। फाइनली खुशी की बात है कि जी म्यूजिक पे आ रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा मोमेंट, सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट इसका है कि जी म्यूजिक पे आ रहा है, और हमारे लोकल टैलेंट को उसको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि हमारे नागपुर में टैलेंट की कमी है, बस जरूरत है उसको निखारने की, उसको और पॉलिश करने की, जो आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है।
जैसे हमारा है, और भी ऐसी लड़कियां हैं जो आगे जाना चाहती हैं और उनको भी, अगर नागपुर की लड़कियां उनको भी उनमें भी बहुत सारे टैलेंट होगा तो वो निखारने का काम आप कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि इस कास्ट की मतलब आप ढूंढ रहे थे, तो उस टाइम आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने, मतलब बहुत बार आपने इंटरव्यूज भी लिए होंगे, कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी थे यार क्या है ये कास्ट, बहुत ही अच्छी। एक्चुअली एक शो हमारा था ग्लोबल इंडिया करके, जिसमें आप हमने सुना होगा रियाज अली टिकटॉक पर आया था नागपुर में, हुआ था वो शो हम लोगों ने किया था। तो एज ए टीन एज उसने पार्टिसिपेट किया था, मैंने फर्स्ट रनर भी थी। तो हम लोग जो देख रहे टीन एज, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपने, हम लोग मैक्सिमम ध्यान देते हैं अपने शो में जो लोग आते हैं ना उन्हीं में से हम लोग देखते कि किसी को रोल प्ले करने में। तो हम लोगों ने क्या किया, दो चार ऑडिशन लिए थे, लेकिन घूम फिर के हमको ये समझ में आया कि जो नॉटीनेस इसमें है वो किसी में नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में भी जब आती थी और मुलाकात भी हुई तो समझ में आया कि यही फिट बैठेगी। तो हम लोगों ने इसको कास्ट किया, और जब इनको इनके पापा को फोन लगाया था तब बोला कि इसको कास्ट, पहले ये डर था कि वो हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी, ये भी था चलो करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कर लो। तो इनसे बात हुई, बहुत हैप्पी थी कि कर लेती हूँ, तो इसके मन में तो लड्डू था ही सब। और ऑलरेडी ये बहुत टैलेंटेड है, इसके पहले भी इसने बहुत सारे काम किए दूसरे फिल्म में, तो टॉप लेवल पे किए। एक्टर को कास्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, बिकॉज दैट वाज कि हम लोग को एक ऐसा फेस चाहिए था जो थोड़ा नॉटीनेस भी हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो, और यू नो थोड़ा रोमांस भी हो उसके अंदर। तो वो थोड़ा सा हम लोग को बहुत गड़बड़ हुआ इस चीज़ में। सो बट फाइनली आफ्ताब हमें मिला एंड ही डू इट वेरी वेल, काफी अच्छा किया उसने। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि कुछ सीन्स ऐसे होंगे जो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट गए होंगे, जैसे एक आपने घोड़े का पीछे दिख रहा है, तो लाइक उसमें दिक्कतें वगैरह आई थी वो शूट करने, वो जानना चाहती हूँ आपसे। हाँ, घोड़ा जो था वो बहुत ज्यादा नॉटी सा था, तो जब मैं उसके ऊपर बैठी तो वो भाग गया। नहीं बट मैं हॉर्सेस बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैंने हॉर्स राइडिंग सीखा है, मुझे हॉर्स राइडिंग आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई हॉर्स को हैंडल करने में। बट जो एक्टर था वो डर रहा था उसको कैसे लेके जाऊँ, बट मैंने हैंडल कर लिया था हॉर्स को, तो वो सब अच्छे से हो गया, अच्छे से हो गया। उड़ गए थे जब वो भागा, फिर सब उड़ गया। आपसे पूछना चाहते हैं, जब हम लोग कोई चीज डायरेक्ट करते तो हम प्रॉपर एंगल वगैरह सेट ये सारी चीजें देखते, तो ऐसा जैसे आपने ड्रोन वाला मूवमेंट बताया, तो ऐसा कोई मूवमेंट जो आपको प्रॉपरली उस वे में शूट करना था पर फिर सिचुएशन इतनी भयंकर थी कि उसको शूट करने में जितना आपने सोचा था उतना टाइम न लगते हुए और ज्यादा लगता ऐसा? एग्जैक्टली तो जैसा वही हुआ था कि सेकंड डे का शूट था एंड वी वर लाइक कि बताया मैंने आपको हम लोग जहाँ गए थे, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था। सो जो विजन एक डायरेक्टर होता है कि उसका विजन हम लोग एक सेट कर लेते हैं कि हमको वो शॉट चाहिए चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिलने के बाद ना थोड़ा फिर डिफिकल्टी हो जाती है कि अब क्या नया करना है। तो ऑब्वियसली एक टाइम होता है कि अब उसको क्रिएटिविटी को लाने के लिए आपको नो कि अब नया क्या करना है क्या करना है, तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा टाइम था कि आप समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज माइंड वॉज लाइक कि अब यार अब तो समझ में नहीं आ रहा, जाम भी हो गया करना क्या है। तो फिर सोचे सोचे फिर बोले चलो ठीक है कर लेते हैं कुछ तो भी। अब वो कुछ तो भी करने चले गए हम लोग, बट वो अच्छा निकल गया, वो बहुत अच्छा निकल गया। बट दैट वॉज अ वेरी गुड मोमेंट ऑल्सो, क्योंकि दोनों ने काफ़ी मेहनत की उस टाइम पे, सिर्फ एक शॉट के लिए वी लाइक ऑलमोस्ट टुक 2-3 आवर्स, बिकॉज दैट मोमेंट वो जो आप देखोगे ना उसका फीलिंग बहुत अच्छा है, और आप सीन देखोगे so that moment is really मतलब बहुत सबसे ज़्यादा romantic scene है। और एक शॉट ऐसा था जो अब बहुत ज़्यादा टेक्स लेने के बाद एक हम फाइनली बहुत अच्छा कर रहे थे और फ्रेम में बफेलो आ गया, वो बहुत सबसे मज़ा आया, सबसे फनी मोमेंट था पूरे सॉन्ग का, कि बहुत सारे टेक्स लिए नहीं अब फाइनल करना है, हम बहुत ही रोमांटिक चल रहे हैं और जैसे आती है मेरी सोनी 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 सिंगर्स के बारे में थोड़ा उनके डिटेल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मौजूद नहीं है हमारे साथ, बट हाँ जब आपने सॉन्ग का रिकॉर्डिंग वगैरह किया होगा तब भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई होंगी मस्ती वाली, उसके बारे में। ये गाना तो रिकॉर्ड हुआ है, मतलब जो म्यूजिक है मुंबई से बना हुआ है,
और जो इसी टाइप विश्व करना है जो सारे गा मा 2019 की विनर तो उनके लिए भी डेब्यू है वीडियो एज ए वीडियो सॉन्ग तो वो जबलपुर में रहती है तो हम लोगों ने इनको म्यूजिक भेजा गाना रब भेजा तो उनको बहुत अच्छा लगा एक ही बार में उन्होंने वो बहुत खुश हो गए लाइक बोले कि मेरे लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है और मैं तो करती हूँ उन्होंने रिकॉर्ड करके जबलपुर से भेजा और जब गिरीश ठाकुर वो सिंगिंग है एम पी के भी तो उनको तो पहले से बोला गया था कि रब भेजा गया था तो उन्होंने कुछ लाइन गा के भेजी थी और उन्होंने रिकमेंड किया था इसी का सरकार के लिए तो दोनों बहुत खुश है दोनों ने अच्छी वॉइस उन्होंने गाया भी और दोनों की वॉइस बहुत स्वीट है और दोनों बहुत अच्छे से किया है मैं आप लोगों से लाइक भले ही यहाँ पे सिंगर्स मौजूद नहीं बट हमारे सॉन्ग के लिरिक्स हमें पता होते हैं तो मैं तीनों में से किसी को भी मतलब कि चाहती हूँ कि उसके कुछ लफ्ज आप हमारे दर्शकों के सामने लाइक टीजर वगैरह बोल दे तीनों में से कोई भी या फिर तीनों भी बार बार गाना उनको ही पड़ा था मैं मेरे गाने की फेवरेट लाइन गाऊंगी आवाज बहुत गंदी है माइंड नोट करना मैं सिंगर जितना तो नहीं अच्छा गा सकती बट मेरी फेवरेट लाइन है हो गया मुझको नशा तेरे प्यार का मैंने सदियों से तेरा इंतजार था अब आ जा तू मेरे को आ भी जा यू न तड़पा तू मैनू तू ना सता मेरी सुनिए 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 मेरी साहेबा मेरी सुनिए 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 मेरी साहेबा और आपने गाया भी बहुत अच्छा है किसने कहा आपको क्या अच्छा नहीं कहाँ था अभी तक कहाँ छुपा के रखे थे आपने कहीं ना कहीं आपका जो सॉन्ग आ रहा है तो दर्शक जितने भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो एक जाते जाते आपसे यही जानना चाहती कि आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करेंगे क्या करेंगे कहाँ से शुरुआत करें डायरेक्टर साहब से शुरुआत करते हैं मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका अंदर टैलेंट है तो प्लीज कम फॉरवर्ड इफ यू वॉन्ट चांस तो आप हमसे आके मिल सकते हैं वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज काफी सारे अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है काफी सारे म्यूजिक वीडियोज है वेब सीरीज है और फैब क्रिएटर्स इज डूइंग अ गुड जॉब तो आप आके मिलके आपको अगर करना है यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम और आप आइए प्लीज बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर मोर टैलेंट्स आप जितना टैलेंट दिखाओगे तो हमारे लिए उतना अच्छा होगा वर्क करने के लिए इजी सो प्लीज कम एंड जॉइन अस जैसे कि मैं भी न्यू हूँ और बहुत टीनेज हूँ तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि अभी एज इस चीज़ को करने के लिए बहुत कम है जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको स्टार्टअप ले लेना चाहिए और मैं अपने गाने के बारे में बोलूँगी गाना बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारा है आप देखोगे गाना बहुत स्वीट और बहुत प्यारा है आप लोग सुनोगे तो आपको अपना टीनेज लव याद आएगा या आप टीनेज में हो तो आप प्यार करने लगोगे ज़रूर तो प्लीज़ हमारा सॉन्ग देखिए थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप हमारा गाना देखो थैंक यू BCM कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और इतना अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया और मैं सभी से मतलब एक गुजारिश करूँगा कि गाना एक बार जरूर देखें कि गाना बहुत प्यारा है और आपके शहर का तो आपकी ब्लेसिंग चाहिए बस थैंक यू ओके थैंक यू सो मच टू द होल एंड मतलब पूरी तो टीम नहीं है बट हाँ मेरी सोनिया की टीम को थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस विनर विद टैलेंट शो में आए बहुत मजा आई आप लोगों से बात करने के साथ और जितने स्वीट आप लोग हैं आई गेस उससे भी कहीं ज्यादा स्वीट जो है वो गाना है तो मैम जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं हम लोग को देख रहे हैं मैं उनसे यही अपील करूंगी कि जैसे ये गाना रिलीज होता है वैसे ही उसको देखे इसको फैलाए जितना फैला सकते हैं जितना प्यार देना है उतना दीजिए और इसी के साथ देखते रहिए BC News थैंक यू थैंक यू